जब जोरों की भूख लगी हो तो एकदम से बना लीजिए ये वाला स्नैक्स। चाय के साथ बहुत अच्छा लगेगा खाने में, और कोई मेहमान आ जाए तो उसका भी काम चल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो आलू ले लिए हैं मैंने दो, उबाल के ठंडे हो गए थे आलू रखे हुए थे, इसके लिए मैंने इन आलूओं का एकदम बना के तैयार किया है। तो इनको आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं, या आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो बस आलू हमारे ग्रेट हो गए हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें डाल दीजिए, थोड़ा सा हमने ये हरी मिर्च डाल दी, और थोड़ा सा डाल देते हैं ये हरा धनिया काट के बारीक करके, और टेस्ट के अनुसार डाल देते हैं नमक। और नमक के बाद हम डालेंगे थोड़े से हींग, हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो हींग डाल लेते हैं। और डालेंगे ये पाव भाजी मसाला, तो और कुछ मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पाव भाजी मसाले के साथ बनाया है तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा डाल लेंगे कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है, टेबल स्पून छोटी वाली चम्मच है उसके अनुसार लिया है। तो बस आप कर लेते हैं इनको मिक्स, मिक्स को अच्छे से सभी को वाइंड करते हुए हम मिक्स करेंगे। तो देखिए मिक्सचर हमारा बन के तैयार हो गया है, मिक्स भी हो गया है। तो बस ये हमारा स्नैक्स बनाने के लिए रेडी है। और बस थोड़ा थोड़ा इस हाथों में इस तरह से मुट्ठी में लेंगे, जितने भी साइज आपको रखना है, जिस टाइप की साइज देनी है। तो इस तरह से मैंने ये वाली साइज दी है, तो इसको आप मुट्ठी में लेंगे और बस हल्के हाथों से इस तरह से इस शेप को बना के हम तैयार कर लेंगे। तो एक शेप हमारी बनकर तैयार हो गई है, दूसरी भी देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो बस वही प्रोसेस, मुट्ठी में लेंगे थोड़ा सा मिक्सचर को, और इस तरह से दबाते हुए टाइट हाथ से इस शेप को हम रेडी कर लेंगे। तो बस सारी शेप हमारी बन के इस तरह से रेडी हो गई हैं। तो मेरे बहुत सारे स्नैक्स दो आलूओं में बन के तैयार हुए हैं, तो देख लीजिए सारे स्नैक्स हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो मेरे पास थोड़े से ब्रेड रखे थे, उनको ब्रेड को मैंने इस तरह मिक्सी के जार में डाल के इसका बुरादा बना लिया है। तो इसको जो हमारा बनाया था ना स्नैक्स, इसको ब्रेड के बुरादे में हम इस तरह से कोट कर लेंगे, और कोट करके सभी को फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो देखिए कोड होने के बाद ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, और ये क्रिस्पी भी बनेंगे और बहुत टेस्टी भी बनेंगे। तो इस तरह से ब्रेड का अगर है आपके पास तो इसका यूज कर लीजिए। तो बस इस तरह से हम सभी कढ़ाई में इसमें डाल लेते हैं सेकने के लिए, और इसको मीडियम टू हाई गैस पे हम सेकेंगे, फ्राई करेंगे। हाई गैस पे इसलिए सेकेंगे क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा ना भरे और एकदम फटाफट ये करारे हो जाएं और जल्दी सेक के तैयार हो जाएं, क्योंकि हमें इनमें सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आलू हमारे उबले हुए हैं, कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है। तो इस तरह से उलटते पुलटते हम इन सभी अपने स्नैक्स को सेक के तैयार कर लेते हैं, और सेकेंगे बिल्कुल ब्राउन होके। तो देखिए हमारे स्नैक्स सेक के तैयार हो गए हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो बस इनको हम एक करछी की मदद से अब ऑयल से बाहर कर लेंगे। देखिए मैं पास से दिखाते हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और उतने ही खाने में भी अच्छे हैं। तो बस इनको निकाल के अलग कर लेते हैं और इनको सर्व कर लेते हैं। देखिए एकदम करारे कुरकुरे, अभी मैं इनका करारापन भी आपको चेक कराऊंगी, तो एकदम बहुत अच्छे बने हैं, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से करारे, बहुत शानदार लगते हैं खाने में। तो देख लेते हैं इनका करारापन चेक करके। देखिए वेरी गुड, बहुत करारे हैं, और तोड़ कर देख लेते हैं, तोड़ कर देखेंगे तो बहुत सॉफ्ट है अंदर से। तो इस तरह से ये स्नैक्स हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो इन्जॉय कीजिए इस स्नैक्स का, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।